पिछले 9.5 वर्ष के अंदर एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, जिस भारत में वैश्विक मंच पर इसे सम्मान प्राप्त हो, जिस भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी हो, जिस भारत में हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी हो, जिस भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज देश के अंदर जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, मेट्रो के काम बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रही है, चौड़ी सड़कें बन रही हैं, या जनता की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हुए कार्य, गांव की कनेक्टिविटी का हो, बिजली का हो, हर घर नल की योजना का हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जिसके पास घर नहीं उसको आवास योजना का लाभ देना, जिसके घर में शौचालय नहीं उसको शौचालय की सुविधा का लाभ देना, जिसके पास उपचार के लिए सुविधा नहीं उसको आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ना, जिसके पास कोई कार्य नहीं उसके लिए कार्य देने की व्यवस्था के साथ साथ राशन कार्ड की सुविधा का लाभ देना, जिसका बैंक में अकाउंट है उसका जनधन अकाउंट खुलवाना, सुरक्षा बीमा की योजना के लिए जीवन सुरक्षा बीमा योजना को देना, ऐसी ढेर सारी योजनाएं अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से अभी लाभार्थियों ने मंच पर आकर के अपनी बात कही। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को मिला है एक बड़ी संख्या है, लेकिन इसको सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के सामने एक बड़ा कार्य ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान